इसका टेक्नोलॉजी का लाभ तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन QR का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या कैसे? खाता बुक QR से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया, खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कभी वो कृष्ण का रूप धारण करते हैं तो कभी शिव के भक्त बन जाते हैं। अक्सर लालू के बेटे तेज प्रताप सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव छाए हुए हैं। दरअसल एक फोटो तेज प्रताप यादव की वायरल हो रही है जो देखने में ऐसा लगता है कि किसी दीक्षांत समारोह की है, और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जो लालू के बेटे यानी कि तेज प्रताप दसवीं पास नहीं कर सके उन्हें बिहार की एक यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री दे दी है। बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की एक तस्वीर वायरल है। तस्वीर के जरिए तेज प्रताप पर तंज कसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दसवीं पास न कर पाने वाले तेज प्रताप ने बिहार के तक्षशिला विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। तस्वीर में तेज प्रताप किसी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में एक लड़की के संग सर्टिफिकेट पकड़े दिख रहे हैं। देखिए, साल 2015 में जब चुनाव हुए थे उसके बाद तेज प्रताप यादव ने मंत्री पद की शपथ ली थी। उस वक्त ये चर्चा बहुत तेजी से थी कि आखिर जो शख्स 9वीं पास है वो बिहार में कैसे एक मंत्रालय का जिम्मा संभाल पाएगा। बहुत सारे दावे थे। इसी बीच अब ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है, लेकिन ये दावे कितने सच्चे हैं? हमने तमाम इस तस्वीर के साथ साथ किए जा रहे दावों की पड़ताल की, ये जानने की कोशिश की है जो दावा सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे हैं सही है या वो भी फर्जी है। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा गलत है। खोजने पर पता चला कि यह तस्वीर पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि IGIMS की है। फरवरी 2017 में कॉलेज का दीक्षांत समारोह हुआ था, इसी मौके पर तेज प्रताप कॉलेज पहुंचे थे। तेज प्रताप ने समारोह की तस्वीरें भी ट्वीट की थी जिसमें वो छात्र छात्रों को अपने हाथों से सर्टिफिकेट दे रहे थे। RJD ने इस समारोह का वीडियो भी YouTube पर साझा किया था। तो कुल मिलाकर जो दावा सोशल मीडिया पर है वो फर्जी है, वो दावे बिल्कुल झूठे हैं। हालांकि ये तस्वीर ऐसा नहीं है कि पहली बार वायरल हो रही है। साल 2018 में भी ये तस्वीर वायरल हुई थी, उस समय भी काफी संस्थानों ने पड़ताल की थी और ये साफ हुआ था कि जो दावे किए जा रहे हैं वो फर्जी है। तो इस बार जब हमने इसकी पड़ताल की, कुल मिलाकर ये सामने आ गया कि तस्वीर में तेज प्रताप यादव खुद डिग्री नहीं ले रहे हैं बल्कि वो कॉलेज के छात्र छात्रों को डिग्री अपने हाथों से दे रहे हैं।